हेलो एवरीवन, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी, जनरल साइंस का जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक होवेगा वह हैगा जी इलैक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। कोशिश करांगे असी आ चैप्टर जिहड़ा एक वीडियो विच कंप्लीट करिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हाँ। सब तो पहला इलैक्ट्रिसिटी बारे, इलैक्ट्रिसिटी की हुंदी है तां असी छोटिया क्लासां विच पढ़िया है कि इलेक्ट्रॉन दे फ्लो नूं आपां की कहांगे, इलैक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलैक्ट्रिसिटी। तां इलैक्ट्रिसिटी दो तरह की हुंदी है, एक हुंदी है स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी ते दूजी हुंदी है जी करंट इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी दो तरह की होंगी है, स्टैटिक ते करंट। स्टैटिक होंगी है जी स्थिर होंगी है, स्थिर इलैक्ट्रिसिटी ते करंट होंगी है जिसे गति होंगी है। स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी विच की होंगे है, जो इलैक्ट्रॉन होंगे ने वो स्थिर होंगे ने, चार्ज कोई भी होवे, इलैक्ट्रॉन होवे जां फिर प्रोटोन, क्योंकि चार्ज जिहड़ा दो तरह का होंगे है, पॉजिटिव ते नैगेटिव। इहनूं कहिंदे ने धन चार्ज, आ हुंदा जी ऋण चार्ज। तां असीं गल कर रहे सी इलैक्ट्रिसिटी बारे। इलैक्ट्रिसिटी दो तरह की हुंदी है, स्टैटिक ते करंट इलैक्ट्रिसिटी। आपां पढ़ना जी करंट इलैक्ट्रिसिटी, अपने जिहड़ा सिलेबस हैगा वह हैगा करंट इलैक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की गल करिए तां इहदे एग्जाम्पल नाल तुहानूं समझाने आ। जिवें तुसीं वेख्या होगा, जिवें कोई व्यक्ति है जदों ये अपने वाला नाल कंघी नूं इस तरह रब करता, कंघी नूं अपने वाला नाल रगड़ता है, उस तो बाद जदों छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होंदे ने इस कंघी ते चिपक जाते, अपने वाल खिंच लैंदे ने इस तरह चिपक जाते हैं, तो यह जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी होगी एक कि इलैक्ट्रिसिटी है स्थिर इलैक्ट्रिसिटी। तो आ हमेशा होंगी है जी इंसुलेटर, स्थिर इलैक्ट्रिसिटी इंसुलेटर होंगी है। इंसुलेटर क्यों होगी, क्योंकि इस होंगे इलैक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इंसुलेटर इंसुलेटर इलैक्ट्रॉन जोड़े मूव नहीं करते, इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ने वो मूव नहीं करते। तुम वेखो ना जिमें आ स्केल है, स्केल में आप इस तरह जे रब करिए तो कागज़ के टुकड़े जोड़े इस चिपक जाते हैं, इस तरह जिमें स्केल के उत्ते इलैक्ट्रॉन ने तौके ने प्रोटोन अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि असी पढ़िया है जेडे लाइक चार्ज ने, लाइक चार्ज होंगे ने एक वर्ग, इको वर्ग चार्ज होंगे ने, वो एक दूजे को धक्का मारते हैं, तो जोड़े ओपोजिट होंगे ने वो एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस विच की होगा जे इस स्केल ते इत्थे नैगेटिव चार्ज है तो इतों प्रोटोन के जेडे पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, इस दे उल्ट जे इस स्केल ते पॉजिटिव चार्ज है तो वह की करेगा कागज़ के टुकड़िया विच जेड़ा नैगेटिव चार्ज होगा उन्होंने अपने वाल खिंचेगा, पर ये मूव नहीं करनगे, ये सिर्फ इंसुलेटर होंगे। जिवें स्केल विच फ्री इलैक्ट्रॉन होण ता कि जिहड़ा इहदे च मूव करना स्टार्ट कर देगा, फिर वो कि इलैक्ट्रिसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी करंट इलैक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की होंगे इलैक्ट्रॉन स्थिर होंगे ने, तो यह सिर्फ केंद्र च होएगा इंसुलेटर होएगा, जिस विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, या फिर आप कह सही कह सकते हैं जिवें इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उन्होंने आप कहोंगे स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी, स्थिर इलैक्ट्रिसिटी। नैक्सट जी आप गल करिए इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की, हमने आप पढ़िया है जी कि स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी होंगी है, जी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी होंगी है वो सिर्फ केंद्र होंगी है इंसुलेटर, जी करंट इलैक्ट्रिसिटी होंगी है वो होंगी है जी कंडक्टर च,
कंडक्टर कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, अलॉय हो सकता है, और भी जिमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी कंडक्टर उनके विच कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। कंडीशन की हैगी है उनके की होने चाहिए ने फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर आप किनू कहोंगे, डेफिनेशन लिख देते हैं जी, कंडक्टर जिस विच फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होन, उसनु आपा उसनु असी जिहड़ा की कहोंगे कंडक्टर। हम आप डिफरेंस देखते हाँ इंसुलेटर के कंडक्टर का, जिमें कंडक्टर की थां आप ले लिया मैटल, तो इंसुलेटर की थां नॉन मैटल। जे आप मैटल के एटम की गल करिए जो एटम हों वा हों, सेंटर से प्रोटोन, न्यूट्रॉन ते आवार इलेक्ट्रॉन, इस तरह इनका प्रोटोन न्यूट्रॉन ते इस तरह इलेक्ट्रॉन। जिहड़ा साइज की गल करिए साइज जिहड़ा मेटल का होएगा, कंडक्टर का साइज होएगा, उनके एटम का साइज जिहड़ा वड्डा होएगा, कंडक्टर के एटम का साइज वड्डा हुंदा है। तो असीं पढ़िया है कि इसके बाहरले शेल विच की हुंदे ने इलेक्ट्रॉन मौजूद हुंदे, इस तरह अंदर प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ते बाहरी शैल विच इलेक्ट्रॉन मौजूद हुंदे ने, इसे तरह इस विच भी बाहर इलेक्ट्रॉन जिहड़े मौजूद होणगे। हुण तुसीं वेखो जदों इहनां विच फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स हुंदी है इलेक्ट्रॉन ते प्रोटोन विच, ज़्यादा गैप होने के कारण इहनां दी जिहड़ी फोर्स होवेगी वो की होएगी घट। ते इस तरह दूजे च वेखिए तो ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इन्हां दी जिहड़ी अट्रैक्शन फोर्स होएगी वो की होएगी ज़्यादा। अट्रैक्शन फोर्स इन्हां दी नॉन मेटल दी ज़्यादा होएगी तो मेटल दी जिहड़ी अट्रैक्शन फोर्स है वो घट होएगी। घट फोर्स होने कारण जिहड़े इलेक्ट्रॉन ने वो छेती ही इहदे तों मुक्त हो जाते हैं, इस जिहड़े सर्कल तों जिहड़े मुक्त हो जाते हैं तो वह फ्री हो जाते हैं, तो वह मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। इस नाल की होंगे जी इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यही कारण है कि जोड़े कंडक्टर ने उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी जी ईजीली पास हो जाती है तो नॉन कंडक्टर नहीं होंगी, क्योंकि इस विच की है जोड़े प्रोटोन इलैक्ट्रॉन खिंच के रखते हैं अपने वाल जकड़ के रखते हैं, इस कारण जोड़े इलैक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकते तो इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी। तो आप हमने पढ़िया से इलैक्ट्रिसिटी की होंगी है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिते इलेक्ट्रॉन फ्लो करनगे उन्होंने आप कहोंगे इलेक्ट्रिसिटी जी पास हो रही है। तो मेटल विच के ज़्यादा गैप होने कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो नॉन मेटल विच गैप घट होने कारण मुक्त नहीं होते। एक क्वेश्चन आ भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किने की, प्रोटोन की खोज किने की, जी न्यूट्रॉन की खोज है वो किन्ने की सी, इनका एक ट्रिक है उनके नाल जी तुहानू तीनों जी खोजा याद हो जाएगियां। हाँ जी, पहला डायग्राम बना लेंगे, सेंटर से होंगे ने प्रोटोन ते न्यूट्रॉन, ते बाहरी शैल विच होंगे ने इलेक्ट्रॉन इस तरह। क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन्ने की, प्रोटोन की खोज किन्ने की, न्यूट्रॉन की खोज किन्ने की। इनका ट्रिक है हिंदी से है ईट पर नाच, आ जिहड़ा ट्रिक है तुसी याद रखना, ईजी है ईट पर नाच, मतलब कोई व्यक्ति है वो ईट उत्ते नाच रहा, ईट उत्ते नाच रहा, किवें याद होएगा, ई तो इलेक्ट्रॉन पहले पहले वर्ड आप उठाने ने, पै तो प्रोटोन, ते नै तो न्यूट्रॉन,
बाद च वेखांगे जिहड़े लास्ट वर्ड हैगे उहनां दे। पहला गया टै, टै तो थॉमसन, थॉमसन जिहनूं कह सकते हो, थॉमसन। रै तो रदरफोर्ड, ते चै तो चैडविक। आ जिहड़े तीनों आपां नूं इस तरह याद हो सकते ने। फिर तो रिपीट कर देने ट्रिक, ट्रिक हैगी है ईंट पर नाच। ई तो इलेक्ट्रॉन, पै तो प्रोटोन, ते नै तो न्यूट्रॉन। जिहड़े लास्ट इन्हां दे वर्ड हैगे ने तिन्हां दे, टै तो टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज की सी टॉमसन ने, प्रोटोन की खोज की सी रदरफोर्ड ने, ते न्यूट्रॉन की खोज की सी चैडविक। एक क्वेश्चन होर बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन ते जिहड़ा स्मॉलेस्ट चार्ज किन्ना हुंदा है। स्मॉलेस्ट चार्ज की गल करिए आपां तां स्मॉलेस्ट चार्ज किन्ना हुंदा जी, वो हुंदा जी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आ चार्ज हुंदा जी इलेक्ट्रॉन दे उत्ते, 1.6 × 10⁻¹⁹ जिहड़ी −19 कूलम। तो इस तरह प्रोटोन की गल करिए तो प्रोटोन ते चार्ज हुंदा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आ हुंदा जी प्रोटोन ते चार्ज, ते न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। न्यूट्रॉन दे उत्ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, प्रोटोन ते चार्ज हुंदा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन जिहड़ी, इलेक्ट्रॉन च की हुंदा है माइनस का निशान हुंदा है। जिहड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का एस आई यूनिट हुंदा है वो हुंदा जी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के हुंदे ने, पॉजिटिव ते नेगेटिव। जिहदे उत्ते प्रोटोन की संख्या ज़्यादा होगी उन्हों आपां पॉजिटिव चार्ज कहांगे, ते जिहदे उत्ते इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उन्हों आपां नेगेटिव चार्ज कहांगे। इन्हां दे एस आई यूनिट जिहड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का हुंदा है वो हुंदा जी कूलम। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। सी नाल इहनूं आपां रिप्रेजेंट करते हाँ। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ी अपनी डेफिनेशन आ रही है वो हैगी है जी बिजली तारा। बिजली तारा इंग्लिश च जिहनूं कहिंदे ने इलेक्ट्रिक करंट। जी इलेक्ट्रिक करंट की हुंदा है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज दे फ्लो नूं आपां की कहांगे, इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन नाल एक्सप्लेन करते हाँ। जिवें आपां इत्थे कोपर दी वायर लिती एक, ते इस नूं आपां एक बैटरी नाल इस तरह जोड़ दित्ता। वैसे तो सारी कोपर की वायर है, इतने मैं थोड़ा वड्डी करके विखाई है क्योंकि इस विच मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन विखाने हैं। इस तरह इस विच की होंगे इलेक्ट्रॉन हो वायर विच, ते आ की है एक सेल है, आ एक छोटा जहा सेल है, आ सिरा हुंदा है पॉजिटिव वड्डा, ते छोटा सिरा हुंदा है नैगेटिव यानी कि ऋण चार्ज वाला। जे अपन सेल नूं जिवें एक सैल है फिर एक सैल होर कंबाइन करता, इस तरह ज़्यादा सैल हो जाए उन्होंने आप कहेंगे बैटरी। ज़्यादा सैल इकट्ठे हो जाए उन्होंने आप बैटरी कहेंगे। तो जो इस आप बैटरी ला दईए तो आ चार्ज जरा इस तरह मूव करेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन है ने तो की ने जरा आप पढ़िया कि जरा इको वर्गे चार्ज होंगे ने एक दूजे को धक्का देंगे ने, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे इस साइड, इस साइड पॉजिटिव ने पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन अपने वाल इस तरह खिंचन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक जिहड़ा चार्ज का जिहड़ा सिंबल हुंदा वह हुंदा जी क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हुंदा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हुंदा है आई। तो इनकी डेफिनेशन की होगी कि इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक चार्ज है
वो पर यूनिट टाइम जिन्ना फ्लो हो रहा है उन्होंने आप कहोंगे इलेक्ट्रिक करंट। इन फॉर्मूला होंगे जी आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, कि टी समय में जिन्ना चार्ज फ्लो हो रहा है उन्होंने आप कहोंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर तो रिपीट कर देने जी कि इतों लेके जोड़ा चार्ज फ्लो हो रहा है मैं कुछ ना कुछ समा लगेगा, जिमें टी समा लग रहा है, तो जोड़ा चार्ज है वह फ्लो हो रहा है इस तरह नैगेटिव तो इस तरह फ्लो होकर पॉजिटिव वाल आ रहा है, तो इनू आप कहोंगे इलेक्ट्रिक करंट। कि जिन्ना चार्ज टी समय में फ्लो हो रहा उन्होंने आप कहोंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इनकी जी एस आई यूनिट होंगी है वह होंगी है जी एम्पीयर, एस आई यूनिट होंगी है एम्पीयर। तो इनू आप जो मापन लिए एक यंत्र होंगे वह होंगे जी एमीटर, एमीटर नाल आप इनू मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट नू। इस विच एक गल तुसी जिहड़ी है ध्यान रखनी है वह है कि जिहड़ी इलेक्ट्रिक करंट है वह हमेशा नैगेटिव तो पॉजिटिव वल जाता है, जिहड़ा इलेक्ट्रिक जिहड़ा चार्ज हुंदा है वह हमेशा नैगेटिव तो जिहड़ा पॉजिटिव वल जाता है। पर की है जदों इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई सी उस तो पहला जिहड़ा मन्निया गया सी वह सी कि जिहड़ा इलेक्ट्रिक करंट हैगा वह हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव वल जाता है। फिर तो रिपीट कर देना कि जिहड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज हैगा वह हमेशा नैगेटिव तो पॉजिटिव वल जाता है। पर की है जदों इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं सी की उस तो पहला मन्निया जाता सी कि जिहड़ा चार्ज है वह पॉजिटिव तो नैगेटिव वल चलता है। पहला एवें बस अनुमान लाया सी कि पॉजिटिव वड्डा हैगा तो पॉजिटिव तो नैगेटिव वल जाएगा, तो असल विच की हुंदा है चार्ज जिहड़ा नैगेटिव तो पॉजिटिव वल जाता है। ये आप एक्सप्लेन कर चुके चुके हैं कि किवें जाता है। तुसी वेखो इत्थे जिवें आप बैटरी लाई है आ इलेक्ट्रॉन ने इस तरह जाणगे नैगेटिव चार्ज जिहड़ा, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज हुंदा है नैगेटिव। हुणे आप पिछे पढ़ी सी कि जिहड़े लाइक चार्ज हुंदे ने एक दूजे दे इको वर्गे चार्ज हुंदे जिवें दोवें नैगेटिव ने वह एक दूजे नूं की करनगे धक्का मारनगे, धक्का मारनगे तां कि जिहड़ा फ्लो होवेगा वह की हो जाएगा जिवें इलेक्ट्रॉन ने उस साइड चलना स्टार्ट कर देंगे। तो अगे पॉजिटिव चार्ज हैगा तो आप पढ़िया कि जिहड़े ओपोजिट हुंदे ने वह की करदे ने एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदे ने, अट्रैक्ट करदे ने तां पॉजिटिव है जिहड़ा इलेक्ट्रॉन नूं अपने वल खिंचेगा इस साइड, तो जिहड़ा चार्ज है वह इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा नैगेटिव तो पॉजिटिव वल। आई कारण हैगा जिहड़ा इलेक्ट्रिक करंट हैगा वह नैगेटिव तो पॉजिटिव वल चलता है। पर होया कि सी जदों इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई सी उस तो पहला मन्निया जाता सी कि जिहड़ा इलेक्ट्रिक करंट है वह पॉजिटिव तो नैगेटिव वल ही चलता है। तो जदों भी तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजली तारा विच किहड़ा चार्ज चलता है किस साइड चलता है, तो तुसी आई जिहड़ा आंसर देना है कि धन चार्ज हैगा वह ऋण वल चलता है, जिहड़ा धन चार्ज हुंदा है जिहने कि पॉजिटिव चार्ज है वह ऋण मतलब नैगेटिव वल चलता है। पर असल विच की हुंदा है जिहड़ा ऋण हुंदा है वह धन वल चलता है। ये गल तुसी जिहड़ी याद रखनी है। नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन हैगी है वह हैगी जी ई एम एफ की, ई एम एफ फुल फॉर्म इहदी हुंदी है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ की हुंदी है जी। आपां एक सर्कट नाल एक्सप्लेन करते हैं, आ जिवें कोपर की वायर हैगी है तो इसनों आपां इस वारी बैटरी नाल जोड़ दिंदे हां, इस तरह बैटरी नाल इसनों आपां जोड़िया, आ जिहड़ा सिरा होगा आएगा पॉजिटिव नैगेटिव ते पॉजिटिव उस तो बाद फिर नैगेटिव, इस तरह बैटरी नाल आपां जोड़ता। तो आप पिछे गल की सी कोई भी कंडक्टर हैगा उन्दे विच की हुंदे ने फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरह इलेक्ट्रॉन जिहड़े फ्री ने। जदों आपां इन्हां नूं एक बैटरी नाल जोड़ांगे तो जदों इहदे विच जिहड़ा चार्ज है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह नैगेटिव सिरे वल तो आ पॉजिटिव सिरे वल।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਉਹ ਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, EMF। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੋਰਸ। ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਂਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਬਟਾ ਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻¹⁹ ਕੁਲਾਮ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਲਾਮ ਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਟੇ 'ਚ 1.6 × 10⁻¹⁹। ਆ ਮਾਈਨਸ 19 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/10⁻¹⁹। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ 19 ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 × 10⁻¹⁸ 1.6। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100।
हम आप 100 नू 16 नाल डिवाइड करांगे तो यह आ जाएगा जी 16 6 96, तो 4 बच जाएगा, उत्तों 0 पॉइंट ला के फिर जाएगा 2 ते 32, उस तो बाद 8 बच जाएगा, तो उत्तों आप 0 ला लेनी है, बाद जाएगा 16 5 80, तो यह जी वैल्यू आ गई 6.25, तो नाल हैगा सी 10 की पावर 18। आ जिहड़ा चार्ज आ गया 1 एम्पीयर च, आ जिहड़ी वैल्यू आ गई 1 एम्पीयर च किन्ने इलैक्ट्रॉन जिहड़े फ्लो करते हैं, तो वह करते हैं जी 6.25 × 10⁻¹⁸ जिहड़ी 18 इलैक्ट्रॉन। आ क्वेश्चन जिहड़ा बन सकता है 1 एम्पीयर च इन्ने इलैक्ट्रॉन जिहड़े फ्लो करते हैं जी। आप पढ़ चुके से इलैक्ट्रिक करंट बारे, इलैक्ट्रिक करंट इहदा जिहड़ा फॉर्मूला हैगा सी वह हैगा सी I=Q/T। क्यू हैगा सी चार्ज, चार्ज नूं आपां जिहड़ा इहदा यूनिट सी कूलम, तो टाइम दा सैकेंड। हुण इहदे विच तुहानूं एक छोटा जिहा न्यूमेरिकल भी पुछ सकदा है, जिवें कोई बल्ब हैगा इस तरह, तो इसका जिहड़ा फिलामेंट हैगा वह 0.5 एम्पीयर की जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो टाइम दिता होगा तुहानूं जिवें टाइम हैगा 10 मिनट, कि कोई बल्ब हैगा वो 10 मिनट 0.5 एम्पीयर इलैक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो तुसी की पता करना है इलैक्ट्रिक करंट, सॉरी इलैक्ट्रिक चार्ज, इलैक्ट्रिक चार्ज तुसी पता करना है। तुहानूं पुछेगा कि किसी बल्ब के फिलामेंट विच 0.5 एम्पीयर इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा पास हो रहा है 10 मिनट विच, ते तुसी की पता करना है इहदा इलैक्ट्रिक चार्ज की जिहड़ी मात्रा वो तुसी पता करना, तो फॉर्मूला सानूं पता है I=Q/T। आई आपां कढ़ना, तो अपन की दिता हुआ, सॉरी अपन क्यू कढ़ना चार्ज, आई अपन दिता हुआ आई कितना है 0.5 एम्पीयर जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा अपन दिता हुआ, आप चार्ज कढ़ना कि कितना चार्ज जिहड़ा फ्लो कर रहा, तो उस तो बाद टाइम अपन दिता हुआ, टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट की अपन सैकेंड बना लेनी है, जो 60 नाल मल्टीप्लाई करा तो 600 सैकेंड जी आ जाएगी। उस तो बाद क्यू की आप वैल्यू कढ़ीए, क्यू = की हो जाएगा I × T, आई की वैल्यू हैगी 0.5 × T 600, जो आप कटांगे तो यह आ जाएगा जी 300 कूलम। आ जो अपना आंसर आ जाएगा कि चार्ज जिहड़ा कितना फ्लो करे वो करे जी 300 कूलम। फिर तो रिपीट कर देने, कोई बल्ब हैगा, बल्ब का फिलामेंट जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट हैगा वो हैगा 0.5 एम्पीयर का, तो टाइम कितना ले रहा 10 मिनट का, आपां की कढ़ना इलैक्ट्रिक चार्ज, आपां क्यू कढ़ना, तो फॉर्मूला हैगा सी I=Q/T, क्यू हुंदा जी कूलम च, तो टाइम होगा सैकेंड च, तो आपां दिता हुआ क्यू की आपां वैल्यू कढ़नी है, आई दिता हुआ 0.5, तो टाइम आप जरा सैकेंड से बना लेना है कन्वर्ट करके 600 सैकेंड हो जाएगी, उस तो बाद क्यू की जो वैल्यू कटा तो वह आ जाएगा 300 कूलम। तो इस तरह के छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल थोड़े को पूछ सकता, जे एक न्यूमेरिकल आप होर करिए, जिमें इस जो इलैक्ट्रिक करंट पूछ सकता कि कितना होगा, जिमें आप एग्जाम्पल लीए कि कोई सर्किट हैगा इलैक्ट्रिक सर्किट, जिमें इत्थे बल्ब लगे इलैक्ट्रिक सर्किट है उन्दे विच की कहिंदा है 5 एम्पीयर जिहड़ा चार्ज ऑफ फ्लो हो रहा है किन्ने टाइम लई, टाइम दिता है 1 मिनट, 1 मिनट लई जिहड़ा 5 कूलम चार्ज ऑफ फ्लो कर रहा, आपां की करना है इलैक्ट्रिक करंट, इलैक्ट्रिक करंट कितना होगा, आई दी आपां वैल्यू कढ़नी है, फॉर्मूला उही रहेगा I=Q/T, ते आपां दिता होया
अपन दिता है चार, दिता है चार जगह जी, पांच कुलाम ते टाइम टाइम एक मिनट दिता है, इनू आपां सैकंड से कन्वर्ट करांगे वो आ जाएगा जी 60, ते इनू आपां कटांगे 1/12 आ जिहड़ा आ जाएगा करंट आई। इस तो बाद कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ते सेमी कंडक्टर, कंडक्टर नॉन कंडक्टर ते सेमी कंडक्टर। कंडक्टर की होंगे ने जिन्हां विच चार्ज जिहड़ा ईजली पास हो जाए, इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाए, आपां की कहांगे कंडक्टर। इहदे विच की होंदा है फ्री ऑफ इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होणगे तां जिहड़ी है इलैक्ट्रिसिटी ईजली पास होगी। गुड कंडक्टर जिहड़ा आपां मन्नीए तां उह होंदा जी चांदी, चांदी जिहड़ा उहनूं बेस्ट जिहड़ा गुड कंडक्टर जिहड़ा मन्निया जांदा है। नॉन कंडक्टर किहड़े होंदे ने जिन्हां विच इलैक्ट्रिसिटी पास ना होवे, जिवें कागज़, कागज हो गया, उस तो बाद लकड़ी होगी, रबड़, ये सारे की होंगे ने नॉन कंडक्टर। से सेमी कंडक्टर की होंगे ने जिन्हां विच थोड़ी मात्रा में जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी पास होवे, मतलब कि उन्हां विच थोड़े जे फ्री इलैक्ट्रॉन होंगे ने, उन्हां आपां की कहांगे सेमी कंडक्टर। इहदी जिहड़ी एग्जाम्पल होगी वह कैडमियम होगी, सल्फाइड होगी, सिलीकोन होगी, जर्मेनियम होगी, ये सारी की हो गई सेमी कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर तुसी एक याद रखना जिहड़ा अशुद्ध पानी हुंदा, सॉरी शुद्ध पानी हुंदा, शुद्ध पानी हुंदा वो भी किहदे च आंदा जी नॉन कंडक्टर च, क्योंकि शुद्ध पानी च जिहड़े कि इलैक्ट्रॉन नहीं होणगे फ्री इलैक्ट्रॉन, तो इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इसलिए जिहड़ा शुद्ध पानी है वह आ जाता जी नॉन कंडक्टर। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ी आपां डेफिनेशन पढ़ांगे वो हैगी जी वोल्टेज, वोल्टेज ते पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज की हुंदा जी, उहदा पहला फॉर्मूला आपां लिख लैंदे हां, वी इज इक्वल टू डबल्यू बटे जे क्यू। डबल्यू इत्थे हैगा वर्क डन, एग्जाम्पल नाल समझते हैं, जिवें इत्थे कोई आपां सर्किट बनाया है इस तरह, इत्थे आपां इत्थे बल्ब जिहड़ा फिट करता प्लस ते नैगेटिव, ते इत्थों जिहड़ा चार्ज आ चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्यू चार्ज है जिहड़ा इत्थों चलना स्टार्ट हो जाएगा, ते इस तरह आ जाएगा। वोल्टेज की होंदी है जी, वोल्टेज नाल आपां की कर सकते हैं जिहड़ी है इलैक्ट्रॉन की स्पीड आ घट वध जिहड़ी आपां कर सकते हैं। कहने का मतलब की है, वोल्टेज की हुंदा है कि जिहड़ा आवेश हुंदा है, चार्ज हुंदा है, उहनूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक ले जाण लई जिन्ना अपना वर्क डन हुंदा है उहनूं आपां की कहिंदे आ वोल्टेज। फिर तो रिपीट करते हैं कि जिवें आ कोई चार्ज हैगा इत्थे पॉइंट ए ते, इहनूं आपां पॉइंट बी ते ले जाणा, इस तरह आ पॉइंट बी ते चार्ज जिहड़ा आ जाएगा। इत्थे आपां की लाई है बैटरी लाई है इस तरह, तो जदों चार्ज नूं आपां एक थां तों दूजे थां तक ले जाण लई जिन्ना वर्क डन करते हैं, मतलब जिन्ना कार्ज आपां करते हैं, उहनूं आपां की कहिंदे आ वोल्टेज। तो इहदे नाल आपां की है जिहड़ी इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी स्पीड उह घट वध कर सकते हैं, वोल्टेज जिहड़ी घटा वधा सकते हैं। जिवें होर एग्जाम्पल लईए, जिवें पानी दे दो टैंक हैगे अपने कोल, आ इत्थे मैं एक पाइप फिट कीती है, इस विच लेवल ज़्यादा हैगा पानी दा, ते इहदे विच जिहड़ा लेवल घट होगा, ते तुहानू सारिआं नूं पता है कि आ जिवें टैंक ए आ बी ए, तो पानी दा जिहड़ा फ्लू होवेगा उह किस वल होवेगा, इस साइड। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जिहड़ी गल करिए, जिहड़ा आपां आ डिफरेंस लिता पानी दा, आ जिहड़ा डिफरेंस लिता है इहनूं ही आपां कह दिंदे आ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ जिहड़ा इस तरह पानी फ्लो हो रहा इस साइड, इहनूं आपां कहांगे वोल्टेज। होर एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं, जिवें आ इत्थे नल लग्गिया इस तरह, आ नल दा हैंडल है,
इतों जोड़ा पानी टपक रहा है इनू आप दें इलैक्ट्रॉन। तो आ जोड़ा हैंडल है इनू घट वध करन दा काम करेगा इनू आप कहेंगे वोल्ट। इनू जो आप खोल देवे तो इलैक्ट्रॉन की जी स्पीड वध जाएगी। तो आ जोड़ा काम हो रहा है इतों चार्ज न एक थान तो दूजे थान ले जाने लिए जिन्ना वर्कडन हो रहा उन्होंने आप कहेंगे वोल्टेज। उन्होंने आप वोल्टेज कहेंगे जी डेफिनेशन फिर तो रिपीट कर देने कि चार्ज न कम जी कार्ज करके एक थान तो दूजे थान पर ले जाने आप कहेंगे वोल्टेज। इंग्लिश जिमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। कि जिन्ना आप वर्क डन करते हैं एक पर यूनिट चार्ज के लिए एक थान तो दूजे थान तक ले जाने आप कहेंगे वोल्टेज। तो इन जे घट वे डिफरेंस आप कहने पोटेंशियल डिफरेंस। यद आप जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड वो घटा वधा सकते हैं। इस दे उत्ते भी तुहानू नुमेरिकल जड़े पूछे जाएंगे। इनकी जी वोल्टेज की सॉरी वोल्टेज की जी एस आई यूनिट होंगी है वह होंगी है जी वोल्ट। वोल्ट जी इनकी एस आई यूनिट होंगी एस आई यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट। तो इनू आप मेजर किन करते हैं वह करते हैं जी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाल आप इनू मेजर करते हैं। तो एक गल होर आप जी इलैक्ट्रिक चार्ज है इलैक्ट्रिक चार्ज की आप गल की सी उन्होंने आप मेजर करते हैं कि मेजर करते हैं एमीटर नाल। इलैक्ट्रिक चार्ज नू एमीटर नाल ते वोल्टेज नू वोल्ट मीटर नाल। वोल्ट मीटर नाल एमीटर जोड़ा है वह आप हमेशा सीरीज चलाने सीरीज च जिमें इतने कोई बल्ब लगे तो अगे आप एमीटर लाना है आ पॉजिटिव सिरा आ नैगेटिव सिरा थले आप बैटरी ला दीए इस तरह बैटरी का भी इस साइड जो होगा वह नैगेटिव सिरा नैगेटिव नैगेटिव के नाल जो पॉजिटिव सिरा वो पॉजिटिव ना। इस तरह आप जो एमीटर फिट करते हैं कहने का मतलब इनू आप चलाने सीरीज चलाते हैं। तो जो वोल्ट मीटर है उन्होंने आप पैरला लाने इस तरह जिमें इतने बल्ब लगे तो आप इतने वोल्ट मीटर इस तरह ला आएगा जी वोल्ट मीटर। अगे बैटरी लगी है प्लस साइड प्लस का नैगेटिव साइड जरा नैगेटिव याद रखनी है तुम्हें गल वोल्ट मीटर हमेशा आप चलाने पैरलर तो एमीटर आप लाने सीरीज च। बाकी अगे इन डिफरेंस आप करा जी वोल्ट का जो आप फॉर्मूला पढ़िया सी वोल्ट का फॉर्मूला की होंगे डबल्यू बटे जे जरा क्यों क्यों आप गुलाम च मेजर करते हैं। तो जोड़ा वर्क डन है उन्होंने आप जूल च जोड़ा वर्क डन का एस आई यूनिट है वो है जूल। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह तुम्हें दिता होगा जिम्मे कोई वर्क डन दिता है कोई चार्ज न एक थान से दूजी थान ले जाने वर्क डन अपने को दिता है इनू डबल्यू नाल आप रीप्रजेंट करते हैं आ दिता है जिमें वी जूल। वी जूल तुहानू वर्क डन दिता होगा तो चार्ज तुहानू दिता होगा चार्ज क्यों होंगे चार्ज दिता है जिमें पांच कूलम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुसी वोल्टेज पता करो वोल्टेज है जी पता करो तो फॉर्मूला आप लाना है वोल्टेज का डबल्यू सॉरी वी इज इक्वल टू डबल्यू बटे जे क्यू। तो इस तरह आप पता चल जाएगा वैल्यू पुट कर देने वी बटे जे पांच तो जो वोल्टेज आ जाएगा वह आ जाएगा जी चार वोल्ट। इस तरह जे जड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुहानू पूछे जाएंगे। हाँ जी नैक्सट जी अपने को डेफिनेशन आती है वह है जी रजिस्टेंस। रजिस्टेंस रजिस्टेंस क्या होता जी प्रतिरोध 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 होगा जी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो रोके जो
इलेक्ट्रॉन दे फ्लो नू रोकदा है उन्हों आपां कहिंदे आ प्रतिरोध ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिहड़ा अपोज करे इलेक्ट्रॉन दे फ्लो नू उन्हों आपां प्रतिरोध जिहड़ा कहिंदे आ। एग्जाम्पल नाल समझदे हाँ, जिवें आ कोई सर्कट बनाया, इत्थे मैं बल्ब लाता इस तरह, हेठां बैटरी लाती, बल्ब दे अंदर एक फिलामेंट बना हुंदा है टंगस्टन दा, जदों आपां इहनूं इलैक्ट्रिसिटी दिंदे हां तां जिहड़ा बल्ब उह क्यों जग पैंदा है, की हुंदा जी जदों इलैक्ट्रॉन इस विच आउंदे ने तां इहदा जिहड़ा फिलामेंट हुंदा उह इलैक्ट्रॉन दा विरोध करदा है, उहदा जिहड़ा रजिस्टेंस हैगा उह हाई हुंदा है, रजिस्टेंस उहदी काफ़ी हाई हुंदी है, जदों उह विरोध करदा है इहनूं इलैक्ट्रिसिटी नूं रोकदा है तां उह की हो जांदा है हीट हो जांदा है, हीट ते जिहड़ी उष्मा जिहड़ी उष्मा ते जिहड़ी लाइट है उह छड्दा है प्रकाश। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां, जिवें कोपर दी वायर हैगी है इस विच की हुंदे ने इलैक्ट्रॉन, पिछे गल कीती सी इस तरह इलैक्ट्रॉन होणगे काफ़ी मात्रा विच फ्री इलैक्ट्रॉन होणगे, जदों आपां इस नूं इलैक्ट्रिसिटी दिंदे हां जिवें सैल नाल तो की हुंदा है इत्थे जदों इलैक्ट्रॉन आउंदे ने तां टकरा के काफ़ी इलैक्ट्रॉन तां इस साइड मूव करना स्टार्ट करदे ने ते आ की करदे ने विरोध करदे ने इसका, कई इस नाल टकरा जांदे ने तां उहनूं आपां की कहिंदे आ जिहड़ा विरोध हुंदा इलैक्ट्रॉन दा उहनूं आपां कहिंदे आ रजिस्टेंस, उहनूं आपां कहांगे रजिस्टेंस, ते रजिस्टेंस कहिंदे उत्ते डिपेंड करदा उह आपां कर लैंदे आ, उस नाल तुहानूं जिहड़ा रजिस्टेंस आ होर क्लीयर हो जाएगा। जिवें आपां दो रस्ते बनाए है इस तरह, दोवां दी जिहड़ी चौड़ाई है उह सेम हैगी है, दोवां दी चौड़ाई है जिहड़ी सेम हैगी है, तुसीं जिहड़े की है कार लेके जिहड़ा इहदे विचों गुजरना है, इस साइड तुहाडे कोल जिवें कार हैगी है तुसीं कार लेके गुजरना है, ते आ साइड जिवें रस्ता इन्ना कु हैगा जिन्ने दे विच कार जिहड़ी लंघ सके, ते दूजी साइड चौड़ाई सेम हैगी है ते रस्ता थोड़ा लंबा है, तो तुसी दसो किहदे विच जिहड़ा ट्रैफिक होंदा ज़्यादा चांस हैगा, मतलब तुहानूं पता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होंदा जिहड़ा चांस होगा वह सैकेंड केस विच होगा, आ केस बी हैगा ते आ केस जिहड़ा ए है, क्योंकि आ छोटा रस्ता हैगा चौड़ाई सेम हैगी है तो दूजा लंबा हैगा रस्ता, इस विच जिहड़ा की है ट्रैफिक होंदा ज़्यादा चांस हैगा, तो इस नाल जिहड़ा रजिस्टेंस हैगा वह जिहड़ी लेंथ ते डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होंदा लेंथ ते, रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल होंदा जी लेंथ ते, कि रजिस्टेंस उदों वधेगा जदों लेंथ भी वधेगी। ओपोजिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड रजिस्टेंस, जिवें इस विच सड़क विच जिन्ने भी बंदे आ उन्हां नूं तुसीं इलैक्ट्रॉन मान लो, जिवें कोई होर कारां कुरां ने जो भी साधन आ रहे ने उन्हां तुसीं इलैक्ट्रॉन मान लो, कि जदों लेंथ वधेगी उदों रजिस्टेंस है जिहड़ा प्रतिरोध है वह भी वधेगा, ते जदों लेंथ घटेगी उदों जिहड़ा रजिस्टेंस है वह भी घटेगा, तो फस्ट केस तो आ हो गया कि जिहड़ा प्रतिरोध है वह कहिंदे ते डिपेंड करता है लंबाई ते, लंबाई वधेगी तो जिहड़ा प्रतिरोध है वह भी वधेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। सैकेंड केस करते हैं, सैकेंड केस जे आपां दो रस्ते लैंदे हां उसी तरह, इस बारी की करते हैं रस्ते की जिहड़ी लंबाई है वह सेम हैगी है पर इन्हां दी चौड़ाई है जिहड़ी वह अलग अलग है, आ चौड़ाई जिवें 10 मीटर की हैगी है, इहनूं आपां मान लैंदे हां 5 मीटर, इस विच कि ने उस तरह बंदे खड़े ने जिन्हां नूं आपां कह दिंदे हां इलैक्ट्रॉन, इस विच भी उस तरह गली विच बंदे खड़े ने, इतों तुसी लंघना है, इस विच भी तुसी लंघना, तो तुसी नोट करोगे कि तुहाडा जिहड़ा ईजीली
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਸਟ ਕੇਸ 'ਚ। ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੀੜ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘੱਟ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਕਿ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਘਟੇਗੀ ਉਨਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਘਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ ਉਨਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਓਮਸ ਲਾ। ਓਮਸ ਲਾ, ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਓਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈਗਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
सिर्फ करंट से डिपेंड नहीं करता, वो रजिस्टेंस से भी डिपेंड करता है। तो आ जो नियम बनता है V इज इक्वल टू आई आर, आ है जी ओम का नियम। उम्मीद करता तो समझ आ गया होगा V इज इक्वल टू आई आर। तो जेडे कंडक्टर इनू रूल नू फॉलो करते हैं ओम के रूल नू, उन्होंने आप कहने ओमी कंडक्टर। इनका जो रजिस्टेंस का एसआई यूनिट होंगे वो होंगे जी ओम, रजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। इस तरह इनू आप रिप्रजेंट करते हैं ओम। हाँ जी आप गल की रजिस्टेंस बारे, इनका जो सिंबल होंगे वो इस तरह होंगे रजिस्टेंस का। तो इस तो बाद आप जी गल की पेल वो है कि रजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ से डायरेक्टली प्रपोर्शनल, उस तो बाद जो रजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे एरिए। एक आप ओम का जो फॉर्मूला पढ़िया V इज इक्वल टू आई आर। हुण जिहड़ा आ जिहड़ा सैकेंड फॉर्मूला तुसीं वेखो इहदे च डायरैक्टली प्रपोर्शनल का निशान है, इहनूं जदों आपां हटावांगे तां डायरैक्टली प्रपोर्शनल की थां एक सिंबल जिहड़ा लगेगा वह हैगा जी रो दा, रो दा सिंबल जिहड़ा लग जांदा इत्थे कॉन्सटेंट दा लेंथ वटा एरिया। हुण आ रो जिहड़ी हुंदी है इनू कहते जी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जिन्हों कहते प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। आ जी रजिस्टिविटी है आ डिपेंड करती है जी कोई जो मेटल है या कंडक्टर कोई भी है उनके मटीरियल से, उनके मटीरियल से डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਲਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਮੀਟਰ, ਓਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਓਮ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਿਓ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰ, ਆਰ ਏ ਬਟੇ ਜੇ ਐਲ। ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਮ, ਏ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ ਲੈਂਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਓਮ ਮੀਟਰ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਓਮ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਲਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਲਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਾਲਕਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -273.15 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤਾਪ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤਾਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਲਕਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈਏ, ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ, ਪਰਮ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ। ਚਾਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਲੋ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਚਾਲਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਅਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਲੱਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੰਜੀ,
या फिर स्विच कह सकते हैं। तो इनका जो सिंबल होगा वो इस तरह होगा। तो बंद की गल करिए तो बंद का सिंबल इस तरह होगा। उस तो बाद तार जोड़ की गल करिए तार जोड़ का जो सिंबल होगा इस तरह होगा। कहने तार जोड़ तो बिना जोड़ तो तार जी क्रॉसिंग होंगी है उसका सिंबल जरा होगा वो इस तरह होगा। बिना तार जोड़ के क्रॉसिंग का सिंबल इस तरह होगा। इस तो बाद बिजली बल्ब का सिंबल तो इस तरह होगा या फिर इतने बल्ब जरा बनाया होगा इस तरह। प्रतिरोध का सिंबल आप कर चुके हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध का सिंबल होता है जी इस तरह। एक होंगे रियोस्टैट रियोस्टैट आज में प्रतिरोध फिक्स प्रतिरोध हो गया उन्होंने कहते रियोस्टैट। उनका सिंबल जरा इस तरह होंगे इतने एरो का निशान होंगे या फिर उनका सिंबल इस तरह भी हो सकता है इतने एरो का इस तरह निशान। नेक्स्ट है सी एमीटर। एमीटर का सिंबल इस तरह होगा विच ए पाई होगी इस तरह और पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। नेक्स्ट है सी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल वी होगा आ पॉजिटिव तो आ नेगेटिव पोल। नेक्स्ट जरा आप करते हैं रजिस्टेंस इन पैरलर तो सीरीज। हाँ जी नैक्सट आता है कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंस। कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टेंस तो दो तरह के कॉम्बीनेशन होंगे ने। एक होंगे पैरलर यानी कि समांतर तो दूजा होंगे सीरीज यानी कि श्रेणी। एक होंगे पैरलर तो एक होंगे सीरीज च बना दें दोनों की डायग्राम भी आप रजिस्टेंस पैरलर लाने हैं इस तरह। इन तिना आप एक सर्कट न इस तरह जोड़ दें। इन कहते हैं जी रजिस्टेंस इन पैरलर। इतने आप एक अमीटर ला दें क्योंकि अमीटर हमेशा कहते जी जोड़ते हैं आप सीरीज च आता सीरीज ही हो गया। तो बाकी जोड़े आप रजिस्टेंस जुड़े हैं वो है पैरलर च आर वन आर टू आर थ्री। इतने आप बैटरी लाती पॉजिटिव तो नैगेटिव। ऐसे तुम एक गल ध्यान रखनी है कि जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। इतने लिख देना मैं फर्स्ट इंटर जो पॉइंट है वोल्टेज इंटर सेम रहेगी। वोल्टेज समान पैरलर च की होंगे जी वोल्टेज होगी वो हमेशा समान होगी तो जोड़ा करंट होगा वो डिफरेंट होगा। करंट जोड़ा डिफरेंट जिमें इस करंट अलग होगा इस करंट अलग होगा तो इस करंट जोड़ा अलग होगा पर कि वोल्टेज जी सारे लिए सेम होगी। जेकर इनका कोई एक रजिस्टेंस है जोड़ा खराब हो जाए जो उतला रजिस्टेंस खराब हो गया किसी कारण तो बाकी के रजिस्टेंस जोड़े वो चलते रहते हैं। बाकी के रजिस्टेंस चलते रहते हैं क्योंकि आ पैरलर च लगे बाकी का सर्किट है जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। यही कारण है जो अपने घर में जी इलेक्ट्रिसिटी लाने आप किस तरीके लाने पैरलर च यही कारण है जी घर वायरिंग होंगी है वो किस तरह होंगी है जी वो होंगी है जी सीरीज पैरलर च होंगी है क्योंकि जिमें इस रूम का जिमें कोई बल्ब है जोड़ा खराब हो गया तो बाकी रूम की जी लाइट वो चलती रहती है। यही कारण है जो घर जी जी वायरिंग होंगी वह होंगी है पैरलर चीज़ दो गल् याद रखनी है कि वोल्टेज जी सेम रही है एवं नहीं कि इस जे रूम से वो लाइट जी डिम जी चलती पी है तो दूजे च चंकी तरह वजिए चलती पी एवें नहीं होगा। वोल्टेज सारे च सेम रहेगी पर जोड़ा करंट है वो घट वध हो सकता। ठीक है जी एक गल तुसी याद रखें कि जो अमीटर होंगे वो आप हमेशा कहते चलाने
पैरलल चलाने हैं, सॉरी सीरीज चलाने हैं, एमीटर नू हमेशा सीरीज चलाने हैं ते वोल्टमीटर नू आपां पैरलल लाने हैं। हाँ जी इहदा दूजा केस बनाइए सीरीज का, तो इत्थे आपां जिहड़े रजिस्टेंस आ उह सीरीज चला देने हैं इस तरह, तो एक आपां इत्थे सर्कट जिहड़ा बना दिंदे इस तरह, तो इत्थे आपां एमीटर ला दिंदे आ पॉजिटिव आ नैगेटिव रजिस्टेंस वन रजिस्टेंस टू रजिस्टेंस थ्री। इस विच कीड़ियां गल्लां ध्यान रखनियां ने कि इस विच की हुंदा है जिहड़ा करंट होगा वह सारे लिए सेम होगा, जो करंट है वह सारे लिए सेम, तुहानूं डायग्राम च दिखाई दे रहा है कि करंट जिहड़ा वह समान होगा तो वोल्टेज वह की होगी अलग, वो सारे लिए अलग अलग होगी, वोल्टेज है जी अलग अलग होगी तो करंट जिहड़ा वह सारे लिए समान होगा। इहदी जी एग्जाम्पल देइए तो तुसीं विआह शादियां च वेख्या होगा जदों जनरेटर लगे हुंदा है, आ विआह शादियां जिवें जनरेटर या फिर कोई जगराते वगैरह च जनरेटर जिहड़ा लगे हुंदा है, तो आ इत्थे बल्बां दी लड़ी लगी है इस तरह, तुसीं देखिया जिहड़ा जनरेटर दे कोल होगा वह बल्ब जिहड़ा चंगी तरह जगदा होगा, तो एंड च जिहड़ी ट्यूब वगैरह जो भी लगी हुंदी है वह जग बुझ जिहड़ी करदी रहिंदी है, मतलब चंगी तरह नहीं जगदी। आही कारण होंदा है कि जिहड़ी जदों आपां सीरीज च लाईए रजिस्टेंस नूं तो की है जिहड़ी वोल्टेज हैगी है वह अलग अलग होंदी है, जिवें इन्ने वोल्टेज खिंच ली पूरी तो बाकी जिहड़ी वह घट होंदी है इस तरह, इहनूं पूरी नहीं मिलेगी तां जग बुझ जिहड़ा करदा रहेगा। तो इहदे ते जिहड़े न्यूमेरिकल बनते हैं कि जेकर आप रजिस्टेंस है उन्हों का मान दे दीए, जिमें पैरल च देखते हैं आ 10 ओम का है, आ 5 ओम का है, तो आ भी 10 ओम का है। क्वेश्चन आएगा कि जो रजिस्टेंस आप इस तरह पैरल च जोड़े हैं तो टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, तो इन क्वेश्चन आ सकते जिम्मे 10 ओम का है, आ 5 का, तो आ भी 10 ओम का। जेकर आप रजिस्टेंस में सीरीज से जोड़े तो टोटल जोड़ा रजिस्टेंस कितना होगा वह भी आप कर लें। हाँ जी तो दो तरह के आप रजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, फर्स्ट है सी सीरीज च तो दूजा है सी पैरल, श्रेणी विच ते समांतर। अच्छा आपां सीरीज च क्यों जोड़ते हैं तो इहदा कारण होंदा जदों आपां नूं रजिस्टेंस जिहड़ा प्रतिरोध है वह आपां नूं चाहिए मैक्सीमम, मैक्सीमम जदों आपां प्रतिरोध लेना होवे तो आपां इहनां नूं किहदे च जोड़ांगे सीरीज च। इहदा फॉर्मूला की होगा जिवें टोटल कटना है आर टी कटना होवे तो इहदा होगा आर वन प्लस आर टू ते प्लस आर थ्री, टोटल रजिस्टेंस कटन का आ फॉर्मूला होगा। तो दूजे पास वेखिए पैरलर से, तो पैरलर से आप क्यों जोड़ते हैं जो आप प्रतिरोध जरा, हाँ जी तो पैरलर से आप क्यों जोड़ते हैं जो आप जरा प्रतिरोध है वह मिनीम चाहिए हो, मिनीम वैल्यू आप चाहिए हो प्रतिरोध की, उदो आप जोड़ा पैरलर से यानी कि समांतर। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा जो टोटल कढ़ना होगा, तो इनका फॉर्मूला होता है एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, हाँ इनका फॉर्मूला होगा। कोई भी तुम्हें जिम्मे प्रतिरोध दिता हो जिम्मे 10 ओम दिता है उस बाद 10 तो बाद भी 10 ओम दिता है तो इन्होंने टोटल आप जोड़ा इस तरह तो इनका प्रतिरोध जरा ती आ जाएगा इस तरह, इन्हों आप इस तरह वैल्यू पुट कर देनी एक बटा 10 एक बटा 10 तो एक बटा 10, इन्हों आप हल करके बाद इन्हों उल्ट कर देंगे तो जो टोटल प्रतिरोध अपने को आ जाएगा। इस तरह जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल थोड़े को पूछ सकता है। नैक्सट जो आप पढ़ना है वो एमीटर आप किवें बना सकते हैं, आप पढ़िया सी जो इलैक्ट्रिक करंट है, इलैक्ट्रिक करंट इनू मापन लिए जो आप यंत्र यूज करते हैं एमीटर, एमीटर एमीटर की करता जी इलैक्ट्रिक करंट में जो समाल करंट में मापन लिए आप यूज़ करते हैं वह है जी गलवेनोमीटर, गलवेनोमीटर। जेकर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलैक्ट्रिक करंट जी आप समाल करंट जिमें थोड़ा जहा करंट है उन्होंने मापना है तो उन्हें लिए आप यूज़ करा गलवेनोमीटर, तो उवें इलैक्ट्रिक करंट में जोड़ा मेजर करता है वह है जी एमीटर। तो क्वेश्चन बन जाता है कि एमीटर आप किवें बना सकते हैं,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਰੀ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਹੈ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਐਮੀਟਰ। ਉਵੇਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਐਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਐਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਲਾ ਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸਰਕਟ ਐਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਐਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਫ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ।
पावर यानी कि शक्ति जिन्होंने आप कहने हिंदी च शक्ति आ की होंगी है जी, जदों आप कोई बल्ब लाया जिमें सर्किट से इस तरह प्लस का माइनस का बल्ब लाया तो जिनी आ इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा है पर यूनिट टाइम के ना उन्होंने आप कहोंगे पावर। पावर इज इक्वल टू की होंगे है जिड़ी इलेक्ट्रिसिटी वो खपत हो रही है पर यूनिट टाइम के लिए। ई कि हैगी है इतने इलेक्ट्रिक एनर्जी जड़ी ऊर्जा की खपत की दर, ऊर्जा की खपत की दर। फिर तो रिपीट करते हैं कि पावर की होंगी है ऊर्जा की होंगी है कि जदों आप इतने बल्ब लाया एक सर्किट से जिनी आ इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब न, जिनी इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब न उन्होंने आप कहोंगे ऊर्जा यानी कि पावर। पावर पी इज इक्वल टू ई बटे च टी, इनका जोड़ा यूनिट हैगा सी वो हैगा सी जूल, तो टाइम का सैकेंड, तो पावर का होंगे वाट। पावर का होंगे जी वाट। ते एक होर्स पावर की गल करिए तो एक होर्स पावर च किन्ने वाट होंगे ने 746 वाट। आ क्वेश्चन जरा पूछा जा सकता है एक होर्स पावर के जी किन्ने वाट होंगे ने, तो आते हैं 746 वाट। इन उत्ते भी तुहानू न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक जी ऊर्जा की खपत दिती होगी टाइम दिता होगा तो तुसी पावर कढ़नी होगी। जिवें आपां घरां दे बिजली दे बिल कढ़दे हां वो इसे आपां फॉर्मूले नाल कढ़दे हां। हाँ जी घरां दे बिजली दे बिल इसे फॉर्मूले नाल कढ़दे हां, पर की करदे हां जिहड़ी वाट हुंदी आ उहनूं आपां किलो वाट च चेंज कर देंदे हां। किलो वाट घंटे च आपां चेंज करके जिहड़ी बिजली दे बिल आ जिहड़े कढ़ सकदे हां। हाँ जी जिहड़े आपां घरां दे बिजली दे बिल कढ़दे हां वो हुंदा जी कमर्शियल यूनिट विच, कमर्शियल यूनिट विच। इस विच आपां की कर देंदे हां जिहड़ा वाट हुंदा उहनूं आपां किलो वाट आवर विच चेंज कर देंदे हां। जिवें फॉर्मूला आपां पढ़िया सी पावर दा, ऊर्जा दा जिहड़ा फॉर्मूला पढ़िया आपां की सी पी इज इक्वल टू ई बटे जे टी। पहला आपां टी सैकेंड च लैंदे सी, पर इहदे च जदों आपां घरां दे बिजली दे बिल कढ़दे हां उस विच आपां इहनां नूं घंटे च लेना आवर विच लेना, ते पावर जिहड़ी वाट की गल करिए तां इन की हो जाएंगे 1000 वाट, 1000 वाट या फिर 1 किलो वाट आप इन कह सकते हैं 1000 वाट। इन आप चेंज कर देने की हो जाएगा इन आप किलो वाट च लेना, तो किलो वाट इज इक्वल टू की हो जाएगा ई इज इक्वल टू टी आप घंटे च लेना। आई जो फॉर्मूला उन्होंने आप चेंज किया क्योंकि पावर नूं आपां किहदे च लैणा है किलो वाट च, तां इत्थे किलो वाट पाता मैं ते इलेक्ट्रिक जिहड़ी खपत है वो ई नाल ही, ते टाइम नूं आपां घंटे च। जदों आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ई दी आपां वैल्यू कढ़नी है इलेक्ट्रिक जिहड़ी खपत किन्नी हो रही है, तां इत्थे की आ जाएगा जी आ मल्टीप्लाई हो जाएगा किलो वाट होवर दे नाल, किलो वाट घंटे दे नाल जिहड़ा आपां उत्ते दस्सिया सी। जदों कमर्शियल यूनिट कढ़ीए घर विच जिहड़ी बिजली दी खपत कढ़दे हां तां ओह कढ़दे हां जी किलो वाट आवर दे नाल, ते 1 किलो वाट ओवर हुंदा जी एक यूनिट दे बराबर, 1 किलो वाट ओवर बराबर हुंदा एक यूनिट दे बराबर। हुण आपां छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके वेखदे हां कि किस तरह के क्वेश्चन तुहाडे कोलों पुछे जा सकते ने। हाँ जी न्यूमेरिकल करन तों पहलां पावर दे जिहड़े 3 फॉर्मूले ने वो इंपोर्टेंट ने, वो आपां कर लैंदे हां। फर्स्ट जिहड़ा फॉर्मूला बनता है पावर का वो है जी पी इज इक्वल टू वी आई। सैकेंड जिहड़ा फॉर्मूला इहदा बनेगा वो है जी पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ते थर्ड इहदा फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी स्केयर बटे छे आर। हुण आ फॉर्मूले किवें बने आपां कर लैंदे हां डिस्कस। पावर का फॉर्मूला आपां पढ़िया सी पी इज इक्वल टू ई बटे छे टी। एक आपां फॉर्मूला पढ़िया सी वोल्टेज का, वोल्टेज का की फॉर्मूला है सी
वोल्टेज का वर्क डन बटे च जरा चार्ज, इन आप क्या सी वोल्टेज कि मतलब जिन्ना चार्ज जाने वर्क डन होंगे उन्होंने आप कहने वोल्टेज। हम वेखते हैं किमें बनते हैं फॉर्मूले। इतों असी डबल्यू की आप वैल्यू कढ़ते हैं पहला वोल्टेज वाले फॉर्मूले से। डबल्यू जो आप वैल्यू कढ़ा तो की आ जाएगा वी ते क्यू, आ डबल्यू की वैल्यू आ गई। हम आप जो फॉर्मूला पढ़िया पावर का, हाँ जी ऊर्जा की खपत हो रही है आ भी की हो रहा एक तरह का वर्क डन हो रहा, वर्क डन आप कह सकते हैं इनू बटे च टाइम। तो पी इज इक्वल टू वर्क डन बटे च टाइम आ गया, तो वर्क डन की थान आप जरा डबल्यू की आप वैल्यू पुट कर दें। वर्क डन की वैल्यू की हैगी है वी ते क्यू बटे च टी। पी इज इक्वल टू वी क्यू बटे च टी आ गया। हुण आपां पढ़िया सी कि जिहड़ा करंट हुंदा इलैक्ट्रिक करंट, इलैक्ट्रिक करंट आ की हैगा सी आई इज इक्वल टू क्यू बटे च टी। आई हैगा सी इलैक्ट्रिक करंट कि जिन्ना चार्ज चलता टी टाइम से उन्होंने आप कहने इलैक्ट्रिक करंट। तो ध्यान नाल तुसीं वेखो आ इत्थे वैल्यू बन गई क्यू बटे च टी, तो इन थान पर मैं आई लिख सकदा, तो आ जिहड़ा बन गया पी इज इक्वल टू वी आई। तो फस्ट फॉर्मूला अपना इतों बनया सी पावर का। फिर तो रिपीट कर दें आप फॉर्मूले दो चुके से, पहला पावर का फॉर्मूला तो दूजा वोल्टेज का। वोल्टेज का फॉर्मूला एक सी वी इज इक्वल टू डबल्यू बटे च क्यू, इतों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डबल्यू की वैल्यू कढ़ ली, डबल्यू की वैल्यू आ गई वी ते क्यू। हुण आपां नूं पता है कि पावर विच की हैगा सी ई बटा टी, ई हैगा सी इलैक्ट्रिक जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी खपत हुंदी है उहनूं आपां की कहांगे वर्क डन, वर्क डन ते बटे च टी। वर्क डन आपां कढ़ लिया सी, वर्क डन हैगा सी वी क्यू, तो उहदे थां आपां वैल्यू पुट करती वी क्यू ते बटा टी पहलां ही हैगा सी। हुण आपां नूं पता सी क्यू बटे च टी वह हुंदा जी इलैक्ट्रिक करंट आई, तो इतों जिहड़ी वैल्यू बन गई सी पी इज इक्वल टू वी आई। हुण आपां एक जिहड़ा होर फॉर्मूला पढ़िया सी ओम्स दे नियम दा, ओम्स ला, ओम्स ला, ओम्स ला च आपां की पढ़िया सी कि वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर आपां पढ़िया सी। हुण इस फॉर्मूले च जे आपां वी दी वैल्यू पुट कर दईए, वी दी वैल्यू हैगी है आई आर, हुण पुट कर दिंदे आ पी इज इक्वल टू वी दी वैल्यू है आई आर, ते एक आई जिहड़ा पहलां ही पिया सी, तो आ फॉर्मूला बन गया पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। फिर तो रिपीट कर दें आ जिहड़ा हुण फॉर्मूला बनाया सी पावर का फस्ट आ तो एवें रहना। दूजा आपां ओम का नियम जिहड़ा इन चेड किया सी, इन की हैगा सी वी इज इक्वल टू आई आर, कि पढ़िया सी कि वोल्टेज हैगा वो करंट पर भी डिपेंड करता है तो रजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इस विच आपां वी दी वैल्यू पुट की है तो की बन जाएगा पी इज इक्वल टू वी दी वैल्यू है आई आर, तो एक आई जिहड़ा पहला ही हैगा सी, तो आ फॉर्मूला बन गया पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो तीजा आप कर लें उन्हें आप पढ़िया वी इज इक्वल टू आई आर, इस विच आप करते हैं आई की वैल्यू निकाल लें, आई इज इक्वल टू की हो जाएगा वी बटे च आर। इस फॉर्मूले तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी बटे च आर, तो हूँ आई की वैल्यू है जी आ फॉर्मूले इन भर दें फस्ट फॉर्मूले की हो जाएगा पी इज इक्वल टू आई की वैल्यू की हैगी है वी बटे च आर, वी बटे च आर, तो एक वी पहला का पे है तो आ फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्केयर बटे च आर। तो आ तिने फॉर्मूले जो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। हूँ आप करते हैं जी न्यूमेरिकल छोटे छोटे जोड़े बनते हैं उन्होंने उत्ते जी। फस्ट जो आप न्यूमेरिकल करते हैं कि एक बल्ब हैगा, एक बल्ब हैगा 100 वाट का, तो आ जरा किन्ने टाइम लिए जग रहा है, एक दिन में 10 घंटे जगता, 10 घंटे, 10 घंटे जगता है। आप करना है यूनिट करनी है कि एक दिन में, एक दिन में आ कितनी यूनिट खपत होगी, एक दिन में कितनी यूनिट। फिर तो रिपीट कर देने क्वेश्चन, कोई बल्ब है 100 वाट का तो 10 घंटे जगदा, 10 घंटे जगदा कितनी यूनिट वो बिजली जी खावेगा। तो फॉर्मूला आप लाना पी इज इक्वल टू ई बटा टी, आप करना ई तो की हो जाएगा पी इन टू टी। तो इन की है आप सब तो पहला किया जी दी हुई है
वाट दिता उन्होंने आप किलो वाट से चेंज करना है, 100 वाट दिता है उन्होंने किलो वाट से, बटा 1000 ला के जो कटांगे तो आ जाएगा 1/10 किलो वाट आ गया। तो टाइम दिता है घंटिया से, पहले ही दिता हुआ टाइम है 1 सॉरी 10 घंटे। जेकर घंटिया से ना दिता हो तो आप घंटिया से चेंज करना है, क्योंकि जो आप कमर्शियल यूनिट कटते हैं जो मतलब बिजली का बिल कटते हैं तो टाइम में आप घंटिया से ही चेंज करते हैं। तो कट लें वैल्यू की हो जाएगा 1/10 × E/6 10। जो आप इन्हों कटांगे ई की वैल्यू कटांगे तो की हो जाएगा 10/10 की हो जाएगा जी 1 यूनिट, 1 यूनिट या फिर कह सकते हैं 1 किलो वाट आवर जिहड़ा बल्ब है वह 1 यूनिट जी बिजली की खपत करेगा। हाँ जी, अज की वीडियो इतने समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी, तो वीडियो नू लाइक करो जी, तो कमेंट करके मैनू जरूर दस्यो तुहानू वीडियो किदां दी लगी है। जेकर तुसी साडे चैनल ते नए हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो ता जो तुहानू साडी हरेक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके। मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो जे, उदों तक दे लई टेक केयर।